हेलो दोस्तों, मैं सुभाषी स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक न्यूज़ के इस स्पेशल एपिसोड में। और आज भी आपके लिए मैं यहाँ पे बहुत सारे गर्मा गर्म टेक न्यूज़ हमेशा की तरह लेके आया हूँ। तो बिल्कुल भी मैं यहाँ पे बकबक नहीं करने वाला हूँ, टेक न्यूज़ को फटाफट से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर टेक न्यूज़ आज की जो है वो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पे सबसे पहली खबर की, तो बहुत ही अजीब खबर यहाँ पे एप्पल की ओर से निकल के आ रही है। जो CES कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2019 जो अभी लास वेगास में चल रहा है, आज तक यहाँ पे एप्पल ने अपनी मतलब पार्टनरशिप नहीं की है। अभी तक CES 2019 जो चल रहा है, और CES मतलब ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो जो है वो हर वर्ष होता है, लास वेगास में इस बार रखा गया है। कभी भी यहाँ पे एप्पल ने मतलब अपनी भागीदारी यहाँ पे नहीं निभाई थी, कभी भी यहाँ पे पार्टनरशिप एप्पल ने CES के साथ में नहीं की थी। लेकिन आज जो जहाँ मतलब वो जो CES का आयोजन है लास वेगास में, उसके सामने वाली इमारत पे एप्पल ने एक वहाँ पे बहुत ही बड़ा वहाँ बैनर लगाया और उसमें कुछ यहाँ पे लिखा था, व्हाट हैपेंड विथ योर आईफोन, स्टे एलवेज विथ योर आईफोन। यहाँ पे कुछ न कुछ मतलब वहाँ पे सबकी नज़रें वहाँ पर जा रही थी, तो एप्पल ने ये जो लाइनें लिखी थी उनसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एप्पल ये कहना चाहता है कि सिक्योरिटी जो हम देते हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है, तो आप जो है वो आईफोन पर बने रहे, एप्पल के ब्रांड जो है उन पर भरोसा करते रहे। तो ये वहाँ पर मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो है, सामने वाली बिल्डिंग पर ये इतना बड़ा सारा पोस्टर एप्पल लगाता है, उंगली तो कर ही दी ना एप्पल ने। अब कोई कमेंटमेंट अभी तक आया नहीं है, लेकिन देखते हैं कौन सी कंपनी क्या कमेंटमेंट एप्पल के लिए करती है। दोस्तों बात करें अगर अगली खबर की, तो यहाँ पे निकल के आ रही है एंड्रॉइड क्यू की। एंड्रॉइड पाई तक के वर्जन अभी तक आपको जो है वो देखने को मिल गए थे, बहुत सारे स्मार्टफोन में एंड्रॉइड पाई का अपडेट आपको देखने को मिल गया। आने वाले बहुत सारे स्मार्टफोन है जिनमें आपको एंड्रॉइड पाई OS आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे लीक्स निकल के आ रहे हैं एंड्रॉइड क्यू के, जो पाई का भी एक अपग्रेडेड वर्जन होगा। और एंड्रॉइड क्यू में यहाँ पे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि आपको वहाँ पे डार्क मोड, डार्क थीम जो है आपको वहां पे देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको WhatsApp पे अभी काम चल रहा है, YouTube पे आपको डार्क मोड वाली थीम है वो देखने को मिलती है, उसी प्रकार से आपको सिस्टम मतलब इंटरफेस है, सिस्टम में जो यूजर इंटरफेस है उसमें भी आपको डार्क थीम मिलेगी देखने को। तो वहां पे आप स्विच भी कर सकते हो, डार्क मोड से व्हाइट मोड में भी जा सकते हो, ऐसा आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है वो बैटरी खपत है वो कम होगी, तो वहां से बैटरी लाइफ जो आपकी बढ़ जाएगी। ये ऐसा कुछ प्लान है यहाँ पे एंड्रॉइड का। तो एंड्रॉइड क्यों देखते हैं, अभी तक लीक सी है, कब तक आता है, क्या खास करता है। हालांकि अभी एंड्रॉइड पाई भी बहुत सारे स्मार्टफोन में नहीं मिला है, तो क्यों कब तक आता है और कौन कौन सी एप्स में, गूगल की एप्स में भी क्या ये डार्क थीम लेके आएगा, तो इस बात का तो हमें इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो यहाँ पे निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। और सैमसंग की यार मैं 4-5 दिन से बोर हो रहा हूँ, M20, M10, M30 बड़ी डिस्प्ले होगी, बड़ी बैटरी होगी, वी डिस्प्ले होगी, यू इन्फिनिटी डिस्प्ले होगी, ये सारी लीक्स निकल के आ रही है। और आज भी एक नई लीक्स निकल के आ रही है, लेकिन आज कुछ अच्छी न्यूज निकल के आ रही है कि यहाँ पे प्राइस से रिलेटेड रूमर्स आ रहे हैं कि सैमसंग M10 का जो बेस वेरिएंट होगा वो आपको वाटर ड्रॉप डिजाइन के साथ में तो मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि जो सैमसंग है वो उसे यू इन्फिनिटी बोल रहा है तो वो वाटर ड्रॉप ही, लेकिन यू इन्फिनिटी अपने हिसाब से सैमसंग उसे बोल रहा है, मतलब कस्टमर्स को उल्लू बनाने की वो कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो M10 आएगा उसकी जो बेस वेरियंट जो उसका होगा वाटर ड्रॉप डिजाइन के साथ में आएगा, और उसका जो बेस वेरियंट है उसकी जो प्राइस है यहाँ पे 9,500 रुपये से स्टार्ट होगी। ये ऐसे कुछ रूमर्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं, क्योंकि सैमसंग है वो वाटर ड्रॉप डिजाइन देगा, आपको ग्लोसी फिनिश बैक पैनल देगा, तो मेरे को लगता नहीं है कि ये 9,500 रुपये से जो बेस वेरिएंट है उसकी कीमत स्टार्ट होगी। खैर जो भी है देखते हैं, जनवरी के लास्ट तक इनके आने की उम्मीद है, और आज रूमर्स भी निकल के आए हैं कि जनवरी के लास्ट तक जो इनका लॉन्च है इवेंट है वो आयोजित किया जाएगा। तो जनवरी के लास्ट तक हमें पता चल ही जाएगा कि 9,500 रुपये में M10 आता है या नहीं आता है, तो इंतजार करना पड़ेगा हमें जनवरी लास्ट का। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो यहाँ पे निकल के आ रही है Xiaomi की। और Xiaomi और Redmi तो अलग हो ही चुका है, आपको पता ही है Xiaomi का सब ब्रांड बन चुका है Redmi। अब Redmi जो अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करेगा 10 जनवरी को, और Redmi Note 7 वो स्मार्टफोन हो सकता है, इसके साथ में ही Redmi 7 को भी यहाँ पे लॉन्च किया जा सकता है 10 जनवरी को। वहां से कुछ लीक्स ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे Redmi ने TikTok के साथ साझेदारी की है। टिकटॉक के साथ कौन सी साझेदारी की है, क्या फ़ायदा मिलेगा कस्टमर्स को ये तो नहीं पता, लेकिन टिकटॉक के साथ में यहाँ पे रेडमी ने साझेदारी की है।
48 मेगापिक्सल वाला रियर कैमरा आपको वहां पे देखने को मिलेगा। रूमर से निकल के आ रहे हैं कि आपको वहां पे ग्लॉसी फिनिश बैक पैनल देखने को मिलेगा, वाटर ड्रॉप डिजाइन भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअली जो यहां पे एग्जैक्टली फीचर्स कौन से होते हैं, प्राइस क्या होती है, ये तो हमें 10 जनवरी को ही पता चलेगा। दोस्तों अगली खबर यहां पे निकल के आ रही है दूर संचार विभाग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, भारत के दूर संचार विभाग ने ऐसे कुछ मतलब आदेश दिए हैं, ऐसे कुछ निर्देश दिए हैं। तो इशारों में पता चलता है कि जो दूर संचार विभाग है वो ब्रॉडबैंड जो स्पीड है इंडिया की अभी 512 kbps है, यानी कि एक सेकंड में 512 kb, जो बहुत ही कम है। अब यहाँ पे जो दूर संचार विभाग है भारत का, वो $100 बिलियन 2022 तक खर्च करेगा और इसे बहुत जल्दी, तो 2 MB/s तक तो इसे बहुत जल्दी बढ़ा दिया जाएगा इस स्पीड को। इसके बाद में 5 MB/s तक बढ़ाया जाएगा और 2022 आते आते आपको 50 MB/s स्पीड स्कीम मिलने लग जाएगी ब्रॉडबैंड की। तो ये एक है मतलब एक नई नीति वो लेके आ रहा है और वहाँ पे जितने भी मतलब ये टेलीकॉम कंपनियाँ हैं उनको प्रतिबंधित किया जाएगा कि आप कम से कम 2 MB/s की स्पीड तो आपको देनी ही पड़ेगी और 2022 आते आते 50 MB/s की स्पीड तो आपको देनी ही पड़ेगी। खैर अच्छी बात है यूजर्स के लिए, ब्रॉडबैंड के यूजर्स भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और अगर यहाँ पे कम से कम 2 MB/s की स्पीड ज़्यादा तो वो दे तो दे, लेकिन 2 MB/s की स्पीड अगर आपको यहाँ पे मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। देखते हैं दूर संचार विभाग फाइनली कब ये घोषणा कर देता है कि आपको 2 MB/s की स्पीड अब मिलने लग जाएगी। दोस्तों बात करें अगली खबर की तो यहाँ पे आ रही है आसूस की तरफ से, और आसूस अभी तक मतलब आपको आपने बहुत सारे स्मार्टफोन देखे हैं अलग अलग ब्रांड के, जिनमें आपको नोच लेस या नोच वाली डिस्प्ले मिलती है। अभी पंच होल का जो ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आसूस कूद चुका है लैपटॉप में। लैपटॉप वो एक लेके आएगा CES 2019 में, उसने शोकेस किया है कि आसूस का ZenBook S13 एक लैपटॉप आएगा जिसमें आपको बहुत पतले बेजल्स देखने को मिलेंगे और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको 97% देखने को मिलेगा, मतलब बेजल्स काफी ज्यादा कम आपको देखने को मिलेंगे। वेबकैम के लिए उसने एक रिवर्स नोच का ऑप्शन दिया है, फोटो में आप देख सकते हैं कि एक रिवर्स नोच हमें दिखाई दे रही है और वहां पे शायद वेबकैम होगा और जो अन्य सेंसर वहां होने चाहिए वो होंगे। बेहद पतले बेजल्स है और कब तक इसे आसूस लेके आएगा ये तो नहीं बताया, लेकिन मार्केट में कितनी जल्दी लेके आता है और कौन से फीचर्स के साथ में लेके आता है, i7 प्रोसेसर आता है या फिर कोई और कोई जनरेशन आती है या फिर और कोई प्रोसेसर आता है, ये तो हमें 2019 में ही पता चलेगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की तो यहाँ पे निकल के आ रही है मीजू की तरफ से, और मीजू ने यहाँ पे 3 साल बाद में कुछ दिनों पहले मार्केट में कमबैक किया था अपने 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च करके, और अब यहाँ पे मीजू Note 9 का एक मॉडल नंबर देखा गया है Geekbench की वेबसाइट पर कि मीजू का ये Note 9 स्मार्टफोन होने वाला है। 48 मेगापिक्सल का इसमें आपको कैमरा मिलेगा, स्नैपड्रैगन का 6150 वाला चिपसेट आपको इसमें मिलने वाला है, ऐसी कुछ वहां से लीक्स निकल के आ रही है। कब तक ये मार्केट में आएगा ये नहीं पता, देखते हैं मीजू जो अपने नोट 9 को कब तक मार्केट में लेके आता है और कौन किन फीचर्स के साथ में और क्या 48 मेगापिक्सल वाले रियर कैमरा सेटअप के साथ में लेके आएगा और कौन सी इसकी प्राइस होती है, वो तो हमें 2019 में ही पता चलेगा। दोस्तों बात करें यहाँ पे अगली खबर की तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है शेयर चैट की तरफ से, और शेयर चैट एक ऐसी ऐप है जो शायद आप सभी लोग यूज करते होंगे। तो शेयर चैट में आपको 3 नए फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पहला आपको मतलब एक जो व्हाट्सएप पे आप स्टिकर्स वाला ऑप्शन है अभी शेयर करते हो, तो यहाँ पे आपको शेयर चैट में स्टिकर बनाने का खुद के मतलब एक स्टिकर बनाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऊपर कोने में आपको मेक स्टिकर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, अपडेट कर लेना अगर आपने शेयर चैट को अपडेट नहीं किया, तो वहां से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके स्टिकर बना सकते हो और उन्हें अपने डिवाइस में सेव भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा फीचर है वो ये होगा, अभी तक आपको शेयर चैट में मतलब किसी भी यूजर्स जो भी अपने वीडियोज अपलोड करते हैं तो वहां पे आपको सर्च का ऑप्शन नहीं मिलता था, अब आपको वहां पे सर्च का ऑप्शन मिलने लग जाएगा और यूट्यूब की तरह आप किसी के नाम से या फिर कोई भी कीवर्ड डाल के वहां पे सर्च कर सकते हो और आपका समय बचेगा। तीसरा जो फीचर है वो कुछ रेपोस्ट नाम से है, और वहां पे मतलब जो आप यूट्यूब में मतलब आप वीडियोस डालते हो या फिर देखते हो कि वीडियो चलते रहते हैं यूट्यूब में और ऊपर आई बटन आता है ना, कार्ड आते हैं ऊपर, तो वहां पे पिछली वीडियोस का डेटा रहता है। तो यहाँ पे शेयर चैट में भी कुछ ऐसा ही होगा, आप न्यू वीडियो अपलोड कर रहे हो तो पिछले वीडियोस को आप आई बटन में डाल सकते हो, ये रेपोस्ट वाला फीचर्स भी आपको शेयर चैट में देखने को मिल जाएगा। तीनों ही फीचर काफ़ी काम के हैं और बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट मिल गया होगा, नहीं मिला है तो आप प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट कर लीजिए। दोस्तों बात करें अगली खबर की तो यहाँ पे खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग की एक नए पेटेंट फाइल की यहाँ पे खबर आ रही है, और पेटेंट कुछ ऐसा सैमसंग ने फाइल किया है कि यहाँ पे फोल्डेबल स्मार्टफोन का पेटेंट तो सैमसंग पहले ही
फाइल कर चुका है और 2019 CES है इसमें भी शोकेस कर चुका है, 2018 के CES में भी MCW में भी वो शोकेस इसको कर चुका है फोल्डेबल फोन को कि 2019 के लास्ट तक वो लेके आएगा। हालांकि अभी मार्केट में उसे लेके नहीं आया, 2019 के लास्ट तक वो लेके आएगा, लेकिन यहाँ पे एक और नया पेटेंट सैमसंग ने फाइल किया है कि वो एक ऐसा टेबलेट लेके आएगा, सॉरी स्मार्टफोन की बात नहीं करेंगे, टेबलेट वो एक ऐसा लेके आएगा जिसमें मतलब दो डिस्प्ले होगी। अब फोल्डेबल फोन में भी दो डिस्प्ले होगी, उसको आप घुमा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो नया पेटेंट फाइल किया है उसमें यहाँ मतलब आप डिस्प्ले को मोड़ नहीं सकते, यहाँ पे दो डिस्प्ले होगी, दोनों अलग अलग होगी, अपने अपने उनमें डिस्प्ले होगी, अपने अपने उनमें प्रोसेसर होंगे, अपने अपने उनमें रैम होगी और अपने अपने उनमें बैटरी लाइफ होगी। तो अलग होंगे दोनों, कुछ मैग्नेटिक सिस्टम से वो दोनों आपस में यू टच हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो पेटेंट फाइल किया गया है इसमें मैग्नेटिक तरीके से यहाँ पे जो दोनों स्मार्टफोन चिपक के एक टेबलेट का रूप ले रहे हैं और आप उनको ऊपर नीचे साइड में या फिर किसी भी एंगल में आप इन्हें चिपका सकते हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे पेटेंट सैमसंग ने फाइल किया है और देखते हैं कि सैमसंग आगे क्या कुछ खास करता है। मतलब बहुत ही टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, बहुत जल्दी से ग्रो हो रही है और सैमसंग देखते हैं आपके लिए पहला ये जो ऐसा स्मार्टफोन लेके आएगा कि आप टेबलेट यूज़ कर रहे हो और आपकी तो मतलब यूँ मन में आ गया कि मेरे को नहीं भाई मेरे भाई को भी यूज़ करना है इसी समय। तो दोनों अलग अलग दोनों डिस्प्ले को अलग अलग की एक को आप काम में लो, एक को आपका भाई काम में लेगा या आपका दोस्त काम में लेगा। तो एक स्मार्टफोन को आप डिस्प्ले के रूप में भी काम में ले सकते हो और दूसरी जो डिस्प्ले है उसको आप कीबोर्ड के रूप में भी काम में ले सकते हो। ऐसा कुछ पेटेंट भी यहाँ पे सैमसंग ने फाइल किया है। तो देखते हैं कि सैमसंग कब तक ये नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लेके आता है और ऐसा कौन सा स्मार्टफोन सैमसंग सबसे पहले लेके आएगा जिसमें ये नया वाला पेटेंट में जो टेक्नोलॉजी दिखाई दे रही है वो वहाँ पे हूबहू उतारी जाएगी। तो ये तो हमें 2019 लास्ट या फिर सकता है 2020 में ही देखने को मिले। दोस्तों बात करें अगली खबर की तो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं Xiaomi की तरफ से और Xiaomi का जो Mi A2 स्मार्टफोन है और Mi A1 स्मार्टफोन है जो 2017 और 2018 में उनको लॉन्च किया गया था, Mi A1 को 2017 में, Mi A2 को 2018 में, काफी फेमस हुए थे, बहुत ही लेटेस्ट फीचर के साथ में आपको मिले थे। Mi A3 आने वाला है लेकिन अब भी आप ये इंटरेस्ट रखते हो कि मेरे को Mi A2 खरीदना है तो 3000 रुपए की प्राइस कट हो गई है परमानेंटली। तो आप वो अगर खरीदने में इंटरेस्टेड हो Mi A2 को तो आपको शायद अमेजन पे और Mi.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के खरीद लीजिए, 3000 रुपए की प्राइस कट हो गई है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मतलब अभी लोग जो है वो सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा आदि हो गए हैं और सोते खाते पीते उड़ते बैठते हर फोटो है वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो अपनी आप बोर्डिंग पास जो होता है मतलब आप वहाँ जाते हो एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे आपके पास जो बोर्डिंग पास होता है आप उसकी फोटो अगर सोशल मीडिया में या शेयर कर देते हो तो वो आपको कभी फंसा भी सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? नहीं ना, लेकिन ये सच है। अब इस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी कि आप अपना बोर्डिंग पास जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। कारण इसका ये है कि इसमें आपके PNR नंबर होते हैं, नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, अगर आप इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हो तो आपके बैंक डेटा लीक हो सकते हैं और जो आपके और भी मतलब बहुत सारे निजी डेटा लीक हो सकते हैं, आपकी फ्लाइट भी रद्द कर सकता है कोई भी हैकर, ये जानकारी उनके लिए पर्याप्त होती है। तो आप कभी ऐसा मत करना क्योंकि कानूनी कार्रवाई तो होनी होनी है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप बोर्डिंग पास को कभी भी सोशल मीडिया पर शेयर मत करना। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज की टेक न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टेक न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।